जय हिंद साथियों, आज हम लोग आप सभी के साथ मिलकर भारतीय संविधान की सीरीज में नागरिकता पढ़ेंगे। अगर हम नागरिकता की करें तो ये जो हमारा भारतीय संविधान है उसके भाग दो में है, भाग दो में अनुच्छेद 5 से लेकर 11। एक सवाल आता है कि जो भाग दो है उसमें क्या है, तो भाग दो में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं इस भारतीय संविधान की सीरीज में, इस पॉलिटी की सीरीज में, भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक। आप इसे नोट्स के रूप में लिखते चलिएगा, यह निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार किसी भी देश में निवास करने वाले निवासियों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक नागरिक दूसरा विदेशी। माने किसी भी देश, हम केवल भारत की बात नहीं कर रहे, दुनिया में जितने भी देश हैं वहाँ पे जो नागरिक निवास करते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक नागरिक होते हैं उस देश के, जैसे मैं भारत का हूँ भारतीय, और विदेशी भी होते हैं। तो दो प्रकार के नागरिकों को हम या निवासियों को दो वर्गों में हम बांट सकते हैं। अगर हम बात करें और आगे चलकर कि आधुनिक युग में नागरिकता अधिकार के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी अवधारणा है जो किसी देश की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार देती है, कि अगर हम बात करें तो जो आधुनिक युग में नागरिकता अधिकार के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी अवधारणा है जो किसी देश के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार भी देती है, साथ ही साथ शासन तंत्र को प्रभावित करने की क्षमता भी देती है, यह देश में व्यक्ति की हैसियत को संकेत करती है। आइए इसके आगे बात करते हैं। नागरिकों को कुछ ऐसी सुविधाएं विशेषाधिकार दिए जाते हैं जो किसी अन्य विदेशी व्यक्तियों को नहीं दिए जाते हैं। आइए उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से अधिकार हैं जो दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से हम लोग देखेंगे कि वो अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग इसको इरेज भी कर लें ताकि पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा, एक है राजनीतिक अधिकार, पहला हम लोग को पढ़ना है राजनीतिक अधिकार। आइए इसके बारे में जानते हैं कि राजनीतिक अधिकार क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों इसे अध्ययन के रूप में पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। इसमें मतदान का अधिकार, इसमें क्या होता है मतदान का अधिकार, तो जो राजनीतिक अधिकार है उसके अंतर्गत आता है मत देने का अधिकार, फिर निर्वाचित होने का अधिकार माने चुनाव लड़ने का अधिकार, फिर तीसरा है सरकार की आलोचना करने का अधिकार। माने अगर हम नागरिकता की बात करें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से तीन प्रकार का अधिकार है, एक मत देने का अधिकार, दूसरा निर्वाचित होने का अधिकार, तीसरा सरकार के आलोचना करने का अधिकार। यह किसी भी जो नागरिकता की हम बात कर रहे हैं उसके आधार पर। आगे देखते हैं संवैधानिक पदों को धारण करने का अधिकार, यह भी महत्वपूर्ण है, यहां से भी सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए वहां की धरती पर पैदा होना भी जरूरी है, यहां पर हमने ध्यान दिया कि संवैधानिक पदों को धारण करने का अधिकार में पहला राष्ट्रपति का पद, दूसरा उपराष्ट्रपति का पद, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्य का राज्यपाल, महाधिवक्ता, ये ऐसे संवैधानिक पद हैं जिनको धारण करने के लिए देश के नागरिकता का होना महत्वपूर्ण जरूरी है। तो इसी के साथ अब हम लोग और आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या अब और हम लोगों को महत्वपूर्ण पढ़ने को मिलेगा, क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हमें और आपको कई चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा भारत के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं, भारत के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, जैसे नागरिक क्या करता है, कर का भुगतान करता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराता है, राष्ट्रगान का सम्मान करता है, देश की रक्षा और अखंडता में हिस्सा लेता है, भाग लेता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि किस प्रकार से नागरिकता का, ये नागरिकों का क्या कर्तव्य होता है। अब हम और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो तथ्य हमारे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपके अध्ययन में हम आसानी ला सकें। यहाँ पे हमने देखा और आपने भी देखा, ऐसा नहीं केवल हमने ही देखा, सबको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को ना। कुछ
कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों के नहीं। एक सवाल आता है कि कौन कौन से ऐसे मौलिक, मतलब कौन कौन से ऐसे नागरिकता के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, या कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। आइए उनके बारे में जिक्र करते हैं। यहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूँ कह सकते हैं कि मोस्ट IMP सवाल है। इसके बारे में भी जान लेते हैं। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। जैसे पहला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 ये मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह केवल भारतीयों के लिए। फिर अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, यह अनुच्छेद 16 यह भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19, आइए 19 में हम बात करते हैं, इसमें 6 प्रकार के अधिकार हैं, यह केवल भारतीयों को प्राप्त है, यह भी इंपॉर्टेंट है। पहला, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ देश हित में, राष्ट्रहित में, ताकि आप लोग भी अपने माँ बाप अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। आपने भी देखा होगा कि आप जिसे मीडिया कर्मी है, न्यूज़पेपर है, ई मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अपनी बात रखते हैं, तो यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अगला है शांतिपूर्ण निराज सम्मेलन की स्वतंत्रता, माने कहीं भी आप शांति ढंग से कोई सम्मेलन कर सकते हैं, कोई समारोह कर सकते हैं। संगम या संघ बनाने की आप लोग स्वतंत्र हैं, संघ बनाने की उसके भी टर्म्स एंड कंडीशन है। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, जैसे भारत के हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं राजस्थान भी घूम सकता हूँ, कन्याकुमारी के पास तमिलनाडु में भी घूम सकता हूँ, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, केरल घूम सकता हूँ, कश्मीर घूम सकता हूँ, मणिपुर घूम सकता हूँ। भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग में निवास करने की अब मैं वहाँ रह सकता हूँ, जमीन भी खरीद सकता हूँ, कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, मैंने वहाँ पर रह के हम कारोबार भी कर सकते हैं जीवन यापन करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको किस अधिकार में मिलती हैं, यहाँ पर आपको देखने को प्रायः मिलती हैं, किसमें, आर्टिकल 19 में। ये ऐसे अधिकार हैं जो केवल केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। और आगे चलते हम देखते हैं, चलिए इरेज भी करना होगा। यही है दिक्कत कि पढ़ते चलिए इरेज करते चलिए, जल्दी अब इसका भी कोई रास्ता हम लोग निकालते हैं। हमने देखा कि अनुच्छेद 29 व 30 ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकार है, इसमें संस्कृतियों से शिक्षा संबंधी अधिकार है, यह अधिकार केवल भारतीयों को। तो हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसे मौलिक अधिकार थे जो केवल भारतीयों को प्राप्त थे, विदेशियों को नहीं प्राप्त थे। यहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल उतना ही पढ़ना है जहाँ से आपको सिलेक्शन मिल जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 5, क्योंकि हमने देखा कि 5 से लेकर 11 तक मूल अधिकार है, तो अनुच्छेद 5 में क्या है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। संविधान के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा, माने संविधान की जिस दिन प्रारंभ होती है उस दिन जो भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर है वह भारत का नागरिक समझा जाएगा, जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास, मूल निवास है, तथा इन तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करता है। कौन कौन? पहला, उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में कोई भारत में जन्मे हो, या तीसरा, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो, तो उसे क्या होगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये 3 पॉइंट है। वैसे क्लास खत्म होने के बाद नोट्स इसकी इलेनी विद दुर्गेश के ऐप जो प्ले स्टोर पर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल गई होगी। हम आगे बात करते हैं यहाँ अनुच्छेद 6, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं। पाकिस्तान से भारत का प्रवजन माने आने वाला व्यक्ति संविधान की प्रारंभ की तारीख से, संविधान के प्रारंभ की तारीख से इस देश का नागरिक समझा जाएगा, यदि वह इसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, तथा निम्न में से कोई एक शर्त भी पूरी करते हों। आइए देखते हैं वो शर्त कौन सी है। वह शर्त है आपके, इरेज कर दिया जाए, जहां जरूरत पड़े आप इसकी स्क्रीनशॉट करते कर सकते हैं।
यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में चलाया हो, पाकिस्तान से 1906 की बात हो रही है, यदि वह 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत आया हो तथा 6 माह बाद वह नागरिकता प्राप्त हेतु आवेदन पत्र भी दे सकता है, उसके बाद आया हो और 6 माह के बाद वह भारत के नागरिकता के लिए आवेदन पत्र भी दे सकता है। तो ये हम अनुच्छेद 5 के बाद 6 पढ़े हैं, क्योंकि एक एक करके पढ़ते चल रहे हैं, सिलेक्शन लेना है आपको तो ध्यान से पढ़िएगा, जहाँ जरूरत लगे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, घर बैठे भी आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं, यहाँ पे अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ लें, जैसे नोट 19 जुलाई 1948 की वह तारीख है जब पाकिस्तान से भारत आने वालों और भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए अनुज्ञा पद्धति लागू की गई थी, माने चाहे भारत से कोई पाकिस्तान जा सकता है या पाकिस्तान से भारत आ सकता है, यह दिन था 19 जुलाई 1948 का, ठीक, इसे हम अनुज्ञा पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, यहां से परीक्षा में सवाल आता है। अनुच्छेद 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 7, यह भी इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के से 1 मार्च 1947 के बाद से भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित कर गया, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, किंतु यदि वह बाद में पुनर्वास के लिए लौट आए, जैसे गया 1 मार्च 1947 पर फिर लौट आए, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। इसके लिए उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा, माने पंजीकरण प्रार्थना पत्र देना होगा, उसके बाद 6 माह तक रहना भी होगा। तो यह था अनुच्छेद 7। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 8, यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत के बाहर विदेश में रहने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत सरकार का अधिनियम 1935 परिभाषित के रूप में भारत में जन्मा या और उसके द्वारा भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हेतु आवेदन किया गया, माने भारत से बाहर विदेश में रहने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, कब, यदि यदि उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई एक भारत सरकार अधिनियम 1935 जिस समय परिभाषित रूप में जब उसकी परिभाषा गढ़ी गई थी उसके भारत में जन्मा हो या उसके द्वारा भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया हो, यह अनुच्छेद 8 था। अब हम और आगे देखते हैं, रेज कर लिया जाए ना, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे थे सॉफ्टवेयर भी बदलते रहते हैं हमने, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। हम ध्यान से देखते हैं अनुच्छेद 9। ऐसा कोई भारतीय नागरिक जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता हो वह भारत का नागरिकता नहीं रहेगा, माने हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान, ऐसा नहीं है हम भारत के भी नागरिक हो जाए, अमेरिका भी नागरिक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, हम केवल एक देश की ही नागरिकता ले सकते हैं। अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। अनुच्छेद 10 की अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी, सिर्फ संसदीय विधि के द्वारा या कानून के द्वारा ही ली जा सकेगी। अनुच्छेद 11, क्योंकि यहीं तक है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, आपको पता ही है ना, अनुच्छेद 5 से 11 तक संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन, समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है, कानून बना सकती है और उसे लागू भी कर सकती है। अब संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लाया, लागू किया, जिसका 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 में भी संशोधित किया गया, जो नागरिकता अधिनियम है इतनी बार इसे संशोधित भी किया जा चुका है। तो आप लोग चाहे तो यहां से भी अपने पास स्क्रीनशॉट रख ले, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चाहे ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। अब हम नागरिकता अधिनियम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ेंगे,
जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आइए नागरिकता अधिनियम 1955 को ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए रेगुलर क्लास के लिए पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च करना है दुर्गेश सर टेलीग्राम ऐप पर, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। सभी क्लास निःशुल्क पीडीएफ में मिलते रहेंगे, क्लास मिलती रहेगी, क्योंकि देश हित में राष्ट्रहित में मेरे द्वारा शिक्षा आपको दी जा रही है। आइए पढ़ते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। तो नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा 5 तरह के भारतीय नागरिकता प्राप्ति का उपबंध किया है। कितनी? 5 प्रकार के नागरिकता के प्राप्ति का उपबंध किया गया है। पहला, जन्म से। कैसा? पहले जन्म से। अब इसमें भी 3 तरह की बात कही गई, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ हो, एक कंडीशन। दूसरा, 1 जुलाई 1987, एक जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 के को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति को केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। आगे हम लोग देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो उसे उसी दशा में वह भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो। तो दोनों, अभी तक हम लोगों ने देखा ऊपर एक व्यक्ति हो, यहाँ पे दोनों का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। तो यहाँ तक कि आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं या इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं, जहां जरूरत पड़े कॉपी में नोट बनाकर लिखते चलिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। ठीक है, ये तो उसमें लिखिए, फिर इरेज करिए, तब आगे बढ़िए ना। अगला है वंश के परंपरा के आधार पर। वंश के परंपरा के आधार पर नागरिकता, इसमें क्या है? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से, 10 दिसंबर 1992 से पूर्व कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्म लिया हो तो वह जन्म के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हो। ठीक, जन्म समय से क्या हो? पिता भारत के नागरिक हो। दूसरा कंडीशन क्या है? 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ तो वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यह वंश के परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता का प्रावधान है। अब हम एक इसमें से पढ़ने जा रहे हैं, जो अब हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वो पंजीकरण से। ये ध्यान से देखते हैं कि निम्नलिखित व्यक्ति में से कोई व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। जैसे पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 6 माह, अब 5 वर्ष, अब कितना है? 5 वर्ष है, याद रखिएगा। पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति 6 माह, अब क्या है? 5 वर्ष से पूर्व, मतलब पहले से भारत में वो निवास करने वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किंतु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो वो पंजीकरण करके भारत की नागरिकता ले सकता है। ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो वो भी पंजीकरण कराकर भारत की नागरिकता ले सकती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने नागरिकता के बारे में पढ़ लिया, अब और आगे चलते हैं आपके साथ। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि भारत नागरिकों को आवयस्क बच्चे हो, भारतीय नागरिकों के आवयस्क बच्चे हो तो भी आवेदन करके नागरिकता ले सकते हैं। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते या भारत सरकार की नौकरी करते हैं वो भी पंजीकरण के द्वारा
भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अब हम और आगे चलते हैं और देखते हैं देशीकरण से, कैसे देशीकरण से सरकार देशीकरण रूप से भी नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है। जैसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, वह किसी ऐसे देश का नागरिक हो जहां भारतीय नागरिक देशीकरण द्वारा नागरिक नहीं बन सकता, अच्छे चरित्र का हो, संविधान की 8वीं सूची में उल्लेखित किसी भाषा का जानकार हो, वह देश की नागरिकता त्याग दिया हो। जैसे कोई अन्य देश की नागरिकता त्याग दिया हो तो उसे मिल सकती है देशीकरण से। वह देशीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि से पहले 12 वर्ष तक या तो भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा कर रहा हो। केंद्र सरकार चाहे तो इस अवधि को घटा भी सकती है, माने 12 साल से रह रहा हो या उसके पहले से ही कोई नौकरी कर रहा हो, ठीक है, सेवा दे रहा हो, तो भी वह देशीकरण के माध्यम से उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। यहां तक आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ताकि हम लोग और आगे बढ़ें और आगे के तथ्यों को भी पढ़ते हुए चलें। अब इसमें क्या है, भूमि के अर्जन के द्वारा, इसमें एक टॉपिक है कि भूमि के अर्जन के द्वारा यदि किसी भूभाग को भारत में सम्मिलित कर लिया जाए, जैसे पाकिस्तान को अगर भारत ने कब्जा कर लिया तो जो पाकिस्तान के नागरिक है वो तो भारत के नागरिक हो जाएंगे ना, क्योंकि वह क्षेत्र भारत में आ गया, तो उस क्षेत्र में संबंधित व्यक्तियों को भारत की नागरिकता मिल जाती है या घोषित कर दी जाती है। अब नागरिकता का अंत, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि नागरिकता का अंत कैसे होता है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर, जब हम भारत में रह रहे हैं और किसी अन्य देश की अगर नागरिकता ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, या नागरिकता का परित्याग, या खुद से कोई अपनी नागरिकता त्याग दे, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर दिया, या सरकार द्वारा उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाए, इस आधार पर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता को त्याग कर सकता है। इसी के साथ आज जो भारत की नागरिकता की सीरीज थी वह यहाँ पर समाप्त होती है, उन सभी टॉपिकों को मैंने पढ़ा दिया। अब ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेज आपके जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से मेरे द्वारा निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में अब तक पहुँचाया जाने की प्रयास किया जा रहा था। और अभी तक अगर आपको इसकी PDF नहीं मिली है तो टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश, वहाँ पे सभी क्लास और नोट्स आप सभी को मिल जाएंगे, ठीक है। घर बैठे भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, क्लास प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर नहीं किया शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और आपके मन में मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न रह गया होगा। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। कर भला तो हो भला, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार, रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। अगली सीरीज में लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी जरूरत है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू आप सभी का, बाय बाय।